हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट नियम है जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस का उसको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम प्रत्येक टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, पहली बात, जो भी जितने भी टेंस होते हैं, मुख्य रूप से टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीन टेंस के मिलाकर के प्रत्येक टेंस के चार चार उप प्रकार होते हैं, कुल मिलाकर के 12 टेंस होते हैं। उप प्रकार से देखेंगे तो 12 टेंस होते हैं, तीन टेंस मुख्य प्रकार के होते हैं, इनके चार चार उप प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि जो 12 टेंस होते हैं उसमें से सिर्फ 8 का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिर्फ 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है। उसमें से जितने भी टेंस के जो होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अर्थात जितने भी मेरे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात ये जो कॉलम आपको दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसका यहाँ पे देखिएगा ए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ए, आपको एक्टिव वॉइस इसका भी नहीं बनेगा। ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है मेरे दोस्तों। इन तीन का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहीं पे हम बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर मेरे दोस्तों यही कहेंगे कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिर्फ 8 का ही बनता है मेरे दोस्तों। ये तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, सिर्फ 8 का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। अब बता दें कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसको पैसिव वॉइस बदलते समय जितने भी रूल एक्टिव वॉइस के होते हैं वही पैसिव वॉइस में लगाए जाते हैं। बस उसमें से कुछ रूल रेगुलेशंस अलग कर दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दें, एक्टिव वॉइस की जो टेंस का प्रयोग करते हैं उसमें हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था, जिसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, उसका ही इस्तेमाल इसमें करते हैं। और जो एक्टिव वॉइस होता है, जैसे मोहन गोज टू होम या आई राइट ए लेटर, तो जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाते हैं मेरे दोस्तों। ये मुख्य रूल है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाते हैं। अर्थात एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है मेरे दोस्तों। ये तो महत्वपूर्ण जानकारियां, कॉमन जानकारियां हैं, सबको जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। एक बात और बता दें कि जितने भी 12 टेंस हैं बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं, कुछ रूल ही फॉलो करेंगे, कुछ नियम फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से यह इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पहली बात करेंगे, पहली बार आपको प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रेजेंट टेंस आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हेडिंग है, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का चार्ट है आपके पास, आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि टेंस जो 12 प्रकार के होते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, तब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहला है, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा गया प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे एक्टिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस, यहाँ पे इंडिफिनिट टेंस, यहाँ पे इम्परफेक्ट टेंस, या इसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, ये परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है मेरे दोस्तों। तो ये तो आपके सामने दिख रहा है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, यहाँ पे लिखा है आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर आपको सामने दिख रहा है। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ए लेटर, आई जो है इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया है, और ए लेटर क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। तो ये देखिएगा ए कंटिन्यूअस का जो रूल है, नियम, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट जितने भी इंडिफिनिट टेंस हैं, ए कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में, अर्थात टेंस में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, वह प्रेजेंट एक्टिव वॉइस के इंडिफिनिट टेंस में आ जाता है। यू कहें तो सबका अगले टेंस का नियम उसके
मतलब अगले टेंस का जो भी इज एम आर होता है पहले इंडिफिनिट टेंस में आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाई मी। यहाँ पे जो लेटर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है, और आई जो है आई का मी हो गया है। आप पर्सनल प्रोनाउन में जाएंगे तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के होते हैं उसका भी रूल आगे अभी इस वीडियो के लास्ट में 2 मिनट में आपको हम बता देंगे, उसको भी देख लीजिएगा कि जैसे आई मी में कैसे तब्दील हो गया या मी आई में कैसे तब्दील हो गया। मेरे दोस्तों लास्ट में 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, वो भी इसी में वीडियो में ऐड कर देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, आई राइट ए लेटर ये होता है, तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज एम आर ये सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाते हैं, या अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद बाय लगाते हैं, बाय के बाद ये ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के पहले ही बाय का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आई राइट ए लेटर, तो आई ए लेटर इज रिटन बाय मी। हम यहाँ पे कंटिन्यूअस की, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आई एम राइटिंग ए लेटर, ये देखिए बहुत ईजी, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज सिर्फ इसमें यही अंतर किया गया है, देखिए बीइंग लगा दिया जाएगा इस वाले में, देखिए इसमें बीइंग नहीं है, ठीक इज है, रिटेन है, बाय मी है, तो इसमें सिर्फ बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ बीइंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो वही रहेगा, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का है। हम परफेक्ट टेंस में बात करेंगे, चूंकि टेंस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कर्ता के अनुसार लगाते हैं, प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस वर्ब में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। यहीं पे इसकी बात करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने, परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं, क्योंकि एक वचन आई तो एक वचन करता होता है लेकिन इसके साथ बहुवचन जैसा व्यवहार किया जाता है मेरे दोस्तों, तो इसलिए लिखा गया आई है रिटेन ए लेटर। यहाँ पे देखिए क्रिया की तीसरी अवस्था परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, तो इसको देखिए पैसिव वाइज में बदलेंगे तो ए लेटर आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ए लेटर क्या हो गया सब्जेक्ट, और इसका जो हैज और हैव है तो आपको हम बता रहे हैं कि एक्टिव वाइज का जो लास्ट वाला टेंस होता है, ठीक जैसे देखिए इसमें परफेक्ट की क्वालिटी ये ले लिया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्वालिटी ये ले लिया है, यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए इसमें ले लिया है, तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, क्योंकि लेटर क्या है एक वचन है, इसके लिए हैज का प्रयोग किया गया है, बीन है, बीन रिटन बाय मी, यहाँ पे देख लीजिएगा ये परफेक्ट टेंस का है। अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे आई हैव बीन रिटन ए लेटर सिंस मॉर्निंग, अर्थात यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बनता है मेरे दोस्तों, आपको बताएं क्योंकि इसका जो रूल रेगुलेशन है ये एग्जाम कर लिया, ले लिया है यहाँ पे, तो ये हो गया प्रेजेंट के तीनों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब देखिए इसको इंटरगेटिव कैसे बदलेंगे, इंटरगेटिव यदि यस या नो में इंटरगेटिव है तो जो इज एम आर है ये जो दिख रहा है आपको इज, इसको सिर्फ क्या करेंगे इसको सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, तो हो जाएगा इंटरगेटिव में इज ए लेटर रिटन बाय मी, इज ए लेटर रिटन बाय मी, यहाँ पे भी कर देंगे इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा हैज ए लेटर बीन रिटन बाय मी, ये तो यस या नो में, यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे अर्थात डब्ल्यू एच प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ पे इज, यहाँ पे जैसे अभी बताएं इज पहले कर देंगे, तो ये तीनों प्रक्रिया उसी तरह करेंगे और उसके पहले उस शब्द की स्पेलिंग आ जाएगी, जैसे आई राइट ए लेटर यहाँ पे रहता वाई, वाई यहाँ पे रहता वाई का प्रयोग करता, जैसे मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं, इस प्रकार का रहता तो क्योंकि स्पेलिंग सबसे यहाँ पे पहले आ जाती वाई, उसके बाद इज रहता, उसके बाद ए लेटर रिटन बाय मी मेरे दोस्तों, तो इंटरगेटिव भी बनाना बहुत ही इजी है। और नॉट का जो आप प्रयोग करेंगे तो नॉट का जिस तरह टेंस में आप प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों उसी तरह इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ए वर्ब के पहले आप नॉट लगाएंगे, जैसे नॉट रहेगा तो हो जाएगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये तो आपको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट टेंस की पूरी जानकारी आ गई। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस में मेरे दोस्तों, पास्ट टेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहां पर देखिएगा पास्ट आई, यहां पर देखिए आई रोट ए लेटर, चूंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, तो राइट का सेकेंड फॉर्म रोट हो गया, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए आई रोट ए लेटर, ए लेटर वाज रिटन बाय मी, सेम टू सेम उसी प्रकार मेरे दोस्तों, बहुत ही इजी है। यहां पे देखिएगा ए लेटर वाज रिटन बाय मी मेरे दोस्तों, यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे दोस्तों, बहुत ही इजी है, देख लीजिए यहां पे दिख रहा है यहां पे। अब यहां पे देखिए आई वाज राइटिंग ए लेटर, ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है जिसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो यहां पे देखिएगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, यहां पे बीइंग सिर्फ लग गया है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस तरह हम बताए थे उसी तरह कोई अंतर नहीं है। यहां पे देखिएगा हैड का प्रयोग किया जाता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस की चर्चा कर दिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा कर दिए, यहां पे देखिए यहां पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, तो आई हैड रिटेन ए लेटर। तो यहां पे देखिए इसकी क्वालिटी जो खाली यहां पे दिख रहा है पैसिव वॉइस की, इसकी क्वालिटी ए ले लेता है, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी मेरे दोस्तों, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ये आपका है एक्टिव वॉइस, ये तीनों दिख रहा है, ये और तीनों हो गया पैसिव वॉइस, ये इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस, ये कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, ये परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए ब्लैंक है। इसको इजी, सब बहुत ही इजी है मेरे दोस्तों इंटरगेटिव बनाना। यहाँ पे वाज पहले आ जाएगा, यहाँ पे भी वाज पहले आ जाएगा, यहाँ पे हेड पहले आ जाएगा। यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसकी सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे तीनों में, उसके बाद वाज वेयर जिस तरह है पहले लगाएंगे उसी तरह उसी प्रकार का होगा मेरे दोस्तों। और नाट रहेगा तो वर्ब के पहले नाट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों अगले के अगले हम टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्यूचर, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पेन मेरी पेन की नोक की तरफ देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, फ्यूचर में हम आ गए मेरे दोस्तों, फ्यूचर टेंस में इतना जल्दी हम लोग आ गए, देख लीजिए मेरे दोस्तों फ्यूचर टेंस में। यहाँ पे देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आई शैल राइट ए लेटर का प्रयोग, सिल शैल और विल का प्रयोग किया जाता है, तो आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए ए लेटर विल बी, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ए लेटर विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, चूंकि मेरे दोस्तों आप लोग स्टूडेंट दरबार चैनल पे हैं और मैं चंद्रजीत पटेल हूं जो आपको ये पूरी वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये देखिए ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, देख लीजिए कितना आसान है मेरे दोस्तों। ए लेटर अब इसको इंटरगेटिव बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, यदि क्यों क्यों डब्ल्यू एच टाइप प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसकी स्पेलिंग, उसके बाद विल, उसके बाद ए लेटर, बी रिटन बाय मी आएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, आप नर्वस मत होइए, इसको वीडियो को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और पूरा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहां देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बनता, इसलिए ब्लैंक है। यहां देखिए मेरे दोस्तों आई शैल है रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे बनता है मेरे दोस्तों ए लेटर विल बी, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, उसी तरह बनाया गया जिस तरह पहले ए लेटर विल बी, यहाँ पे देखिए आई शैल हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, यहाँ पे देखिए आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, तो चूंकि ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है मेरे दोस्तों, चूंकि इसका नहीं बनता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं।